नमस्कार, मैं रंजा सानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। खबर आ रही है बिजनौर के क्षेत्र धामपुर से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष एसपी सलूजा व जिलाध्यक्ष जावेद रहमान शमसी ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पदाधिकारियों को ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा, धामपुर क्षेत्र में भी कोरोना महामारी का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रभावित एवं मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। ऐसी स्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी मरीजों को उनकी आवश्यकता अनुसार सिलेंडर उपलब्ध कराकर व्यापार मंडल उनकी जान बचाने में अपना सहयोग प्रदान कर सके। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन सख्ती के साथ किया जाए। उन्होंने कहा, सभी व्यापारी बंधुओं से अनुरोध है कि वह अपनी दुकान के बाहर गोले बनाकर ही व्यापार करें, खाद्य सामग्री का ग्राहक को वितरण करें, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। सम्मानित व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर शहर की जनता की हिफाजत की मांग की है। उन्होंने कहा, हम प्रशासन से ऐसी आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इस जनहित कार्य में व्यापार मंडल को अपना सहयोग प्रदान करेंगे। धामपुर से हमारे संवाददाता दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल धामपुर इकाई नगर अध्यक्ष एसपी सलूजा, मंडल अध्यक्ष हाजी जावेद रहमान शमसी और सलमान, सेवा में उपजिलाधिकारी महोदय, आपको अवगत कराना है कि प्रदेश के विभिन्न भागों के साथ ही धाम को निरंतर बढ़ता जा रहा है। नित्य प्रति महामारी से प्रभावित एवं मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। अधिकांश मामलों में संबंधित मरीजों को ऑक्सीजन का सिलेंडर समय में आवश्यकता अनुसार न उपलब्ध हो पाना भी प्रमुख कारण माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त अधिकांश लोग सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन न करते हुए अपने चेहरे पर न तो मास्क लगा रहे हैं, न ही 2 गज की दूरी का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। इन तथ्यों में प्रशासनिक, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी पूरी तरह परिचित हैं। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल पंजीकरण का आपसे अनुरोध है कि संगठन को ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता कराई जाए, ताकि संबंधित मरीजों को उनकी आवश्यकता अनुसार सिलेंडर उपलब्ध कराकर व्यापार मंडल उसकी जान बचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। आपसे ये अनुरोध है कि चेहरों पर मास्क लगाने तथा सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को प्रभावी रूप से पालन कराया जाए। इतना ही नहीं, व्यापारी को अपने प्रतिष्ठान निर्धारित समय पर खोलने और बंद करने के प्रति भी जागरूक किया जाए, ताकि व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों पर आने वाले ग्राहकों को भी गाइडलाइन के प्रति जागरूक कर सके। ऐसा होने पर निश्चित रूप से कोरोना महामारी पर रोक लगाने के साथ ही लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। धामपुर में बड़ी मंडी में सब्जी मंडी लगती है, वहाँ पर सैकड़ों लोग रोज जो है भीड़ जुट जाती है, बिना मास्क के ही जो है लोग आ रहे हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे सर, आज शिकायत भी हुई इसमें? व्यापार मंडल के द्वारा इस आशय का एक ज्ञापन भी दिया गया है इसमें कि सब्जी मंडी में भीड़ हो रही हाँ। है या आज नहीं आई आप, ऐसा है रिलेटेड अन्य चीज़ें, और इसके मद्देनज़र मैं इसको इंश्योर करवाऊंगा कि सब्जी मंडी में जो लोग आ रहे हैं वो कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरा फॉलो करें, मास्क भी लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग भी यूज़ होकर, सैनिटाइजेशन वगैरह का काम तो जो है चल रहा है उसको और तेज गति दी। लॉकडाउन बंदी के दौरान भी सर सब्जी मंडी लगा रहे हैं ये लोग? इस बार जो लॉकडाउन लगा था उसमें सब्जी मंडी का एक कुछ टाइम डिसाइड किया गया था कि इतना टाइम तक रहेंगे, इसके बाद वो बंद करा दी जाएगी, और ऐसे ही किया भी गया था। लेकिन इसके आगे देखते हैं, अगर जैसी व्यवस्थाएं रहेंगी उसके अनुसार कदम उठाए जाएंगे। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।